क्विकली, एक नो तो इश्यूज फर्स्ट सर, नो जॉब इश्यूज। का पूछना था, कैसी चल रही है आपकी? जॉब एज इन जैसे कि सर ने मैंने कहा कि थोड़ा प्रेशर तो है क्योंकि वो एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हाँ थोड़ा अभी है, स्ट्रगल है क्योंकि तो मेरे को लगता है अभी रहेगा कुछ। मैंने ठीक है, सही है। और कुछ जरूरत हमारे से आपको? अभी नहीं बट हाँ क्योंकि मैंने आंचल मैम से बात की थी लाइक वीक 2 वीक्स पहले। एस डी वैन का हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत है, जैसे कि एस डी वैन विप्टेला होता है ना, तो यहाँ पे एस डी वैन बिराकी। मेरा की हाँ तो मैंने मैम को कहा था कि अगर एस डी वैन क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो आप मेरे को बताना, मैं ज्वाइन करूँगा। तो मैम ने कहा था कि हाँ ज्वाइन कर, मतलब दे देंगे, लिंक दे देंगे जब से क्लास स्टार्ट होगा। एनजी के किसी बंदे को जानते हो अभी बीटी में? एनजी का हाँ रिसेंटली मैंने मिला था, एक आनंद बोल के राज, आनंद राज। यस। वो मतलब जब मैंने उसे अपने पहले, अगर मैं तो शौक था, उसने मुझे रिवील ही नहीं किया अपने बारे में। मैं रिसेंटली जब, क्योंकि हमारे शिफ्ट दूसरा होता है, तो मेरे लाइक बीटी ज्वाइन करने के 2 या 3 वीक बाद मैं उसे मिला था। वो दूसरे शिफ्ट में था तो आया, तो वो मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ से हो ये वगैरह। तो मुझसे पूछा प्रीवियस कंपनी क्या थी, मैंने कहा आई एम फ्रॉम वात्या। उसका मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट मेरे को समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा शॉक में था। बोला वात्या हैदराबाद? मैं बोला नहीं हैदराबाद में तो नहीं है, नोएडा में ही है। बोलता ओके ओके शायद हैदराबाद में भी है। मैं बोला नहीं नहीं मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा डर गया यार, इसके कहाँ से वात्या के बारे में पता है। फिर 2 हफ्ते बाद बात बात करने के बाद फिर मेरे को वो कन्फर्म कर रहा है, आपके साथ पिक्चर्स दिखा रहा है, जैक सर के साथ पिक्चर्स दिखा रहा है। मैं बोला अच्छा आप भी हो? बोलता हाँ मैं भी हूँ। मतलब यार पहले बोलना था, मैं टेंशन में आ गया। बोलता है नहीं मैं थोड़ा सा देख रहा था। अच्छा, ओके सही है। मतलब उसने भी मिस्ट्री बनाए रखी, सेम प्रोजेक्ट में हो दोनों। दोनों ही सेम प्रोजेक्ट में, बट हाँ शिफ्ट टाइमिंग से भी थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि हम लोग एक वीक के साथ में काम किए, उसके बाद भी शिफ्ट टाइम पूरा डिफरेंट हो गया। फीडबैक शेयर करो, कैसे पता चला एनजी नेटवर्क्स के बारे में आपको? एनजी सर, मैं अगर बताया जाए तो मैं ऑनलाइन रिसर्च बहुत कर रहा था, तो अच्छा, एक दो इंस्टीट्यूट पता किया था, तो उस पैरेलली मुझे एनजी के बारे में भी पता चला था। तो मैंने जैसे होता है काउंसलिंग वगैरह ली थी, उसके बाद फिर मैंने सीसीएनए के लिए ऑप्ट किया, फिर आप इवेंचुअली होते रहा। पहले सीसीएनए के लिए आए थे हमारे पास? यस सीसीएनए मैं 2021 में अक्टूबर नवंबर में लाइक 2 महीने का क्लास हुआ था शैलेंद्र सर से, तो मैं सर के साथ कांटेक्ट में था। तो वैसे क्या लगा आपने इतनी सारी जगह, जैसे आप बता रहे हो सर्च करा, तो एनजी नेटवर्क्स की तरफ टुवर्ड्स इंक्लाइन कैसे, इंक्लाइनेशन कैसे हुआ आपका? मतलब क्या बात लगी आपको यहाँ पे? टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला चीज जो मैंने नोटिस किया था, जो मतलब जो इंक्लिनेशन मोड था वो है कि शैलेंद्र सर का। क्यों? क्योंकि मैं उनसे थोड़ा पर्सनली कांटेक्ट में था और उन्होंने मुझे मतलब कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दिखाया है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप आओ, प्लेसमेंट होती है, पढ़ाई भी करना है, क्योंकि आपको पढ़ाया जाएगा, रियल टाइम के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि मैंने भी एक पॉइंट देखा कि अलग इंस्टीट्यूट से थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, सभी देते हैं, बट रियल टाइम ट्रेनिंग या रियल टाइम नोट्स जो प्रिपरेशन जैसे करवाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो शैलेंद्र सर के साथ मैं थोड़ा अगर कॉन्टेक्ट में था तो उनसे बात किया, काउंसलिंग वगैरह लिया, थोड़ा आइडिया हुआ, क्लियर हुआ, फिर जाके मैं बहुत अच्छा। इवेंचुअली वैसे ज्वाइन जब किया। ऑनलाइन, जब एकदम एज अ फ्रेशर जब आपने एंट्री मारी थी, जब आप पहली बार एनजी नेटवर्क्स आए थे, तो क्यों आपने एनजी नेटवर्क चूज किया था? एनजी नेटवर्क चूज करने का ऐसा रीजन मेरा यही था कि मैं देख रहा था कि सीसीएनए कौन जल्दी, मतलब क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पेस स्पेसिफाई से थोड़ा जल्दी से सीखना था, तो जितने भी कोर्सेस मैं देख रहा था तो सब कंबाइंड ही प्रोवाइड कर रहे थे। सीसीएनए कोई ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा था, मुझे पहले सीसीएनए में ही जाना था। सब बोल रहे थे सीसीएनए सीसीएनपी ही कंबाइंड है, हम सीसीएनए नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो फिर मैंने पहले मुझे सीसीएनए तो पढ़ लेने दो, उसके बाद ही फिर मैं इवेंचुअली स्टेप्स लूंगा। तो एनजी से मुझे साइड से सीसीएनए हाँ ऑफर हुआ, तो फिर मैं इवेंचुअली वहाँ पे गया, सीखा, समझ में आया, क्लास ऐसे अच्छा था। मेरा मेन फीडबैक वही था कि क्लासेस वगैरह अच्छी हुई थी सर की, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा कि हाँ ये इंस्टीट्यूट है, अच्छा है। तो टेक्निकल एंजॉय किया आपने इसका मतलब? हाँ टेक्निकल सर का क्लासेस, हाँ मतलब उसके बाद समझ में रियल आता टाइम था। कैसा रहा? रियल टाइम भी सर अच्छा ही था, क्या इंपॉर्टेंस चला। समझते हो? आपसे तो बेटर कोई समझ नहीं सकता। आपसे तो मेरी लास्ट टाइम भी बात हुई थी, एक टॉपिक मिस हो गया था, और उसकी रियलिटी, मतलब आपका तो एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को कि रियल टाइम जो बनाया है उसकी क्या है। तो मतलब खुद से आप बताओ कि आपको क्या समझ में आया, रियल टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? रियल टाइम सर इम्पोर्टेंट इसलिए ना क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि सेवेरिटी लेवल्स कैसे हम लोग चेक करते हैं, सेवेरिटी लेवल्स कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, वो मेन फैक्टर है। अगर कोई भी इशू आ जाता है, जैसे मैं डे टू डे में देख रहा हूँ, तो सबसे पहले हमें यही बताया जा रहा है, अभी भी हमारा केसी अगर होता है, टीम हडल होता है, तो हमें अभी भी रिसेंटली बताया जा रहा था कि सबसे पहले चेक करो, क्योंकि कस्टमर वॉन्ट्स देयर टिकट्स टू बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, बट वी हैव टू
चेक इन आवर SLAs, क्योंकि SLA हमारा जा रहा है, कस्टमर एंड से नहीं जा रहा, तो वी हैव टू डिसाइड दी सेवेरिटी एज वेल। तो ये सब सारी चीजें मुझे पता ही नहीं थी कि हाउ टू डिसाइड दी सेवेरिटी, व्हाट सेवेरिटी एज इन, मतलब क्यों सेवेरिटी हम P1 बोलते हैं, क्यों P2 बोलते हैं, क्यों P3 बोलते हैं, व्हाट रीजंस की P4 होगा, ये सब हमें पता ही नहीं था। ये चीज अगर रियल टाइम में नहीं कवर कराई जाएगी तो आप इवन आप अगर आप एक्सपीरियंस या जॉब क्रैक कर जा रहे हो तो एनवायरमेंट में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये दिस इज रियल टाइम एंड ऑफ द डे यार, कहीं ना कहीं हमारा वी यूज्ड टू कॉल इट एज अ यूएसपी, और टू बी वेरी फ्रैंक फॉर द स्टूडेंट इट इज द बॉटलनेक ऑफ द प्रोफाइल, मतलब ये करके जाओगे तो ही यू कैन इजीली सर्वाइव, और यश से बेटर इसको कौन समझता है। प्लेसमेंट वाला पार्ट बताओ कैसा हुआ, कौन सी कंपनी, कितने पैकेज में गए आप? प्लेसमेंट सर अभी तो फिलहाल मैं BT में गया हूँ, L2 में, सीनियर सर्विस रिलायबिलिटी इंजीनियर। पैकेज आपका ग्रेचुटी अगर इंक्लूडेड करे तो 9.2 का गया है, और LTE बोल के जो फिक्स टर्म होता है एंड एंड ऑफ द ईयर, तो वो 8 LTE है। सही है, मतलब ऐसा लग रहा है वैसे कमिटमेंट हमने 6 का दिया था, आपको पता ही है जब आपने ज्वाइन किया, करंट पैकेज आपका 9 लाख अबव है, तो मतलब ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा फील हुआ ये वाली चीज से? एक्सपीरियंस एज इन लाइक जब मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया था तो फिर आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं सोचा था लाइक 7-7.5 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, नॉट बियॉन्ड दैट, बट वहां से ऑफर हो गया लाइक आपने मुझे मेंशन किया कि यू आर आस्किंग फॉर 7-7.5 बट वी कैन ऑफर यू दिस मच अमाउंट, आर यू लाइक रेडी टू जॉइन इन, आई वाज लाइक ओवर द क्लाउड, मैं बोला व्हाई नॉट। सही बात है एकदम, तो मतलब वो कैसे लग रहा है डिसीजन लेना, मतलब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब वैसे एनजी में अभी ना होते तो कहाँ होते अगर आपने ज्वाइन ना किया होता, तो वेयर यू फाइंड योरसेल्फ राइट नाउ? टोटली मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट आई थिंक मैं शायद मे बी अगर सीसीएनए करने के बाद अगर CCNPN मतलब अगर आपका ये जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन नहीं करके अगर मैं नॉर्मल CCNP किया होता तो मे बी शायद अभी फिलहाल जॉब के लिए स्ट्रगल चल रहा होता या तो कुछ मतलब उतने अच्छे पोस्ट पे नहीं होता। तो आप समझ गए मतलब सर्टिफिकेशन और ये जॉब गारंटी के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया अच्छे से, और आपसे बेटर किसको समझ में आ सकता है? फैमिली रिएक्शन कैसा रहा, फैमिली एंड फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा रहा जब बताया कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और ऐसा हो गया है? फैमिली में तो सर पापा एज इन स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि डोंट गो फॉर नेटवर्किंग, मुझे उतना स्कोप नहीं दिख रहा। मैंने फ्रेंड्स से देखा, मेरे फ्रेंड्स के भी अच्छे भी है नेटवर्किंग में, क्योंकि पापा को भी ऑब्वियस है वो बिजनेस बैकग्राउंड से, सर्विस बैकग्राउंड से उतना नहीं पता उनको। तो मैंने उन्हें इंसिस्ट किया, मैंने सर से बात करवाया था, जैसे मैंने कहा शैलेंद्र सर से मैंने बात करवाया, नमिता मैम से मैंने बात करवाया, फिर पापा फिर भी उतने कॉन्फिडेंस नहीं थे कि मुझे नेटवर्किंग का उतना नहीं पता, मैं सॉफ्टवेयर ही का सुन रहा हूँ, तुम कहाँ नेटवर्किंग में जा रहे हो, बिकॉज ही वॉज वेरी मच क्यूरियस एंड वेरी मच टेंस्ड अबाउट माई फ्यूचर, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 2019 मुझे मेरा बैकग्राउंड उतना स्टेबल नहीं था, जॉब उतना अच्छा नहीं था, तो ही वॉज लाइक कि थोड़ा मतलब प्रॉब्लम होगा बट सॉफ्टवेयर में जाओ, सॉफ्टवेयर में कर लो। तो इवेंचुअली मैंने कहा कि नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर में अगर चल भी जाता हो तो नहीं होगा, बट नेटवर्किंग में थोड़ा इंटरेस्ट है, इवेंचुअली मैं थोड़ा सीखूंगा भी, बट मुझे नेटवर्किंग में ही जाना है। तो ऐसे ऐसे करके फिर स्टेप बाय स्टेप मैं ये मतलब डिसीजन लिया कि नहीं मुझे नेटवर्किंग में ही जाना है, तो बस फिर उसके बाद BT इज द रिजल्ट। सही है सही है, बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस शेयर किया आपने मेरे साथ, तो ओवरऑल क्या आप कुछ वर्ड्स बताएंगे आपके, वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे ना थोड़ा सा टीम के बारे में भी जानना है, कैसा एक्सपीरियंस रहा टीम के साथ आपका, जो मैंने प्रोसेस बना रखी है कि एक बंदा आता है, एक काउंसलर है, नमिता एक टीम है उसकी, वो सब कुछ बताती है इनिशियल लेवल पे, फिर उसके बाद आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं और प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से लेके फिर मेरे तक, कैसा रहा आपका सारा प्रोसेस? कोऑर्डिनेशन सर आई वुड से अच्छा है, टीचर्स बट हाँ कभी कभी इशू हो जाता था वो क्लासेस वगैरह को लेकर, बट ठीक है वो होता है। कोऑर्डिनेशन आई वुड से कि हाँ वेरी गुड, और स्पेशली मैं दो स्पेशल मतलब पीपल्स का नाम मेंशन करना चाहूँगा, फैकल्टी टीम से शैलेंद्र सर टॉप नॉच, आनंद सर भी है बट उन्होंने मुझे फायरवॉल पढ़ाया था, उनके साथ ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई थी, आनंद सर भी है सर, सारे फैकल्टी जितने के साथ भी क्लास किया सब टॉप नॉच है, बट शैलेंद्र सर जिनसे मैंने एक्चुअली में CCNA स्टार्ट किया है, जिनसे कॉन्फिडेंस है वो, एंड मैनेजमेंट टीम से अगर आप बोले तो कोऑर्डिनेशन के टाइम में आंचल मैम ने मेरा बहुत हेल्प किया, लाइक शी वॉज ऑलवेज रेडी, शी वॉज ऑलवेज लिसनिंग टू माई प्रॉब्लम, और जितना भी इशू होता था मैम बोल देता था तो हाँ हो जाता। तो मतलब कभी डिस्कनेक्टेड फील हुआ टीम के साथ, कभी ऐसा जो प्रोसेस है टीम की? नॉट रियली, बट हाँ ऐसा नहीं था कि डिस्कनेक्ट नहीं देते, हाँ लेकिन बात होता रहता था,
जो भी मेरे को इशू होता था तो मैम यूजुअली राहुल सर हो गए या आंचल मैम हो गई या ऑन दी आपका ट्रेनिंग ही अगर हमारा क्लास चला तो वहाँ पे भी मैं पूछ लेता था। तो ऐसा नहीं था कि सर बताते नहीं, तो वो अगर उनको नहीं पता था तो ऑब्वियसली वो बोल देते थे कि हाँ इस पर्सन को आप कॉन्टैक्ट कर दीजिए या उस पर्सन को कॉन्टैक्ट कर दीजिए, बट नथिंग लाइक दिस कनेक्टेड। अगर आप खुद से भी थोड़े अगर मतलब क्या बोलते हैं एक्टिव है तो चीजें अच्छे से हो जाती। मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज यही पूछूंगा जो मैं और भी स्टूडेंट से मेरी बात चल रही है कि ऐसा आपको कुछ रियलाइज हुआ कि जब कंप्लीट हो गया आपकी प्लेसमेंट हो गई तो क्या हमने आपको छोड़ दिया, हमने आपको रिवर्ट बैक नहीं किया, और मैं खुद का मेरा रिएक्शन कैसा रहा उसमें अगर कभी जरूरत पड़ी तो आपको? ऑब्वियसली ये तो मैं मतलब कोई भी अगर सजेस्ट करता है या अभी भी किसी का कॉल आता है तो मैं ये सेम ही कहता हूँ कि नहीं, अगर आप रेडी हो विलिंग टू वर्क हो तो ऐसा नहीं कि एनजी अगर आप प्लेसमेंट डरा दे रही है तो फिर उसके बाद फिर आपका उनका साथ खत्म, ऐसा नहीं। मुझे अभी भी जैसे मैंने कहा कि जैसे मुझे SCDMN की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने सडनली मैम को कॉन्टैक्ट किया तो मैम ने कहा कि हाँ नेक्स्ट या कुछ वीक्स में SCDMN की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो आपको लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ प्लेसमेंट हो गया तो एनजी और आपका कोई अटैचमेंट नहीं है या कोई डिस्कशन नथिंग है अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं।